काम क्रिया अच्छी बनाए अपनी दिनचर्या। कक्षा 6 में वर्कशीट 14 का हल करेंगे। एक्टिविटी 1 एंजॉय द वीक। दिस पोएम गिव्स डिटेल ऑफ रूटीन ऑफ ए चाइल्ड ड्यूरिंग ए वीक। एक सप्ताह में एक बच्चे के दैनिक दिनचर्या है जो उसकी डिटेल देती है। रीड द पोएम केयरफुली। कविता को सावधानी से पढ़ो एंड ट्राई टू रिसाइट। इसे गाने का प्रयास करो विद रिदम लय के साथ। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। उत्तर भी देने हैं भाई जो नीचे दिए गए हैं। तो भाई रीड भी करना है और रिसाइट भी कर सकते हैं, गा भी सकते हैं। इंजॉय द वीक ये टाइटल हो गया। एंजॉय द वीक सप्ताह का आन लीजिए। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक दैट रियली इज सो कूल। संडे सप्ताह का पहला दिन है और यह वास्तव में बहुत ही कूल है, वंडरफुल है, कूल है। और मंडे आई वेक अप अर्ली एज आई है टू गो टू स्कूल। मंडे को मैं उठता हूँ जल्दी क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है। ट्यूजडे आई एम ऑन द गो विद स्टडी एंड गेम बोथ इन क्लास एंड एट होम। ट्यूजडे को मुझे मेरे काम के साथ जारी रहना होता है, खेलना भी होता है क्लास में भी और घर में भी। वेंसडे आई गो टू द पार्क वेयर विद माई पल्स आई रोम। बुधवार को मैं पार्क जाता हूँ जहाँ मेरे जो पल्स हैं मित्र हैं उनके साथ मैं रोम करता हूँ, घूमता फिरता हूँ। थर्सडे आई वॉच माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम एंड डैड सीट्स एट द कंप्यूटर विद मी। थर्सडे को मैं भाई मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम देखता हूँ और डैड हैं जो पिताजी हैं मेरे साथ कंप्यूटर पर काम करते हुए बैठते हैं एंड कंप्यूटर भी सीखते हैं। फ्राइडे आई स्टडी ऑल दैट आई हैव लर्नड देयर सो मच टू डू यू सी। और फ्राइडे को मैं सभी अध्ययन करता हूँ जो मैंने सीखा है, सभी का अध्ययन करता हूँ और मुझे मेरे पास बहुत काम होता है, यूसी आप जानते हो। सैटरडे इज द 7th डे ऑफ द वीक ए टाइम टू रेस्ट दे से। सैटरडे सप्ताह का 7वां दिन होता है और ये आराम करने का समय होता है। दे से कहते हैं वे, यानी वे कहते हैं, घरवाले कहते हैं, मम्मी पापा कहते हैं। बट फॉर मी एंड माई मेट्स इट्स द बेस्ट ऑफ ऑल फॉर आई कैन प्ले द होल डे। लेकिन मेरे और मित्रों के लिए, मेट्स साथियों के लिए जो सैटरडे है वो सबसे अच्छा दिन है क्योंकि मैं खेल सकता हूँ। आई कैन प्ले द होल डे, सारा दिन खेल सकता हूँ। डी ए थ्री जी एस के पोएट कवि हैं। तो ये सारी दिनचर्या है दादा दी पोइता के माध्यम से। लुक एट द वर्ड इन इनवर्टेड कोमा इन द पोएम। दीज आर वर्ड वी यूज वाइल स्पीकिंग बट ट्राई आउट टू यूज दैम वाइल वी राइट। तो भाई क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं भाई। टू ऑफ दीज वर्ड मीन फ्रेंड, वी पिक दैम आउट। तो इस पोएम से बाहर निकाल लो दो वर्ड को जिसका अर्थ है फ्रेंड, मित्र। पल्स भी आया है और मेट्स भी आए, दोनों का मीनिंग है फ्रेंड। सेकंड है पिक आउट ए फ्रेज मीनिंग बीजी। बीजी का जो वाक्यांश है उसका क्या मीनिंग रहेगा। बीजी मीन्स सो मच टू डू यानी व्यस्त होना। और थर्ड है पिक आउट ए वर्ड दैट मीन्स वंडरफुल। और उस शब्द का मीनिंग छाटो इसका अर्थ वंडरफुल मीन्स कूल। कविता में आया है कूल, वंडरफुल मीन्स कूल। ये कविता है, कविता में तो भाई मीनिंग थोड़ा होता ही है। आगे है मेक आउट लिस्ट ऑफ थिंग द चाइल्ड इन द पोएम डज ऑन द डिफरेंट वे ऑफ द वीक। तो भिन्न भिन्न सप्ताह के भिन्न भिन्न दिनों में कविता में बच्चा क्या क्या करता है आओ लिखें। ऑन संडे ही इंजॉय संडे को वह संडे का मजा लेता, आनंद लेता भाई। ऑन मंडे सोमवार को
ऑन मंडे सोमवार को ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही वेक्स अप अर्ली, वह जल्दी उठता है। ही वेक्स अप अर्ली, वह जल्दी उठता है। तो ऑन मंडे ही वेक्स अप अर्ली ठीक रहेगा। ऑन ट्यूजडे मंगलवार को ही इज ऑन द गो विद स्टडी एंड गेम। ट्यूजडे को वह अपने अध्ययन के साथ और गेम दोनों के साथ जारी रहता है, दोनों क्रिया करता है। ऑन वेंसडे बुधवार को ही गोज टू द पार्क। ही गोज टू द पार्क, वह पार्क जाता है। ऑन थर्सडे वीरवार को, बृहस्पतिवार को ही वॉचिज हिज फेवरेट टीवी प्रोग्राम, वह अपना पसंदीदा टीवी प्रोग्राम देखता है। ऑन फ्राइडे ही स्टडीज ऑल दैट ही हैज लर्नड, वह सभी का अध्ययन करता है जो उसने सीखा हुआ है, पहले सीख लिया है। ऑन सैटरडे ही प्लेज द होल डे, वह सारा दिन खेलता है, वह सारा दिन खेलता है। अब यहाँ स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, शहर की बिजनेसमैन की भी है, शहर की और एक बिजनेसमैन की। रीड द पैसेज, पैसेज पढ़ेंगे, आंसर द क्वेश्चन, पर्सन के उत्तर दे देंगे। वंस देयर लिव्ड ए बिजनेसमैन इन ए सिटी। एक बार एक शहर में बिजनेसमैन रहता था, एक बार की बात है भाई, बिजनेसमैन व्यापारी रहता था शहर में। हिज नेम वाज रमन, उसका नाम रमन था, यानी बिजनेसमैन का नाम था रमन, व्यापारी का नाम था रमन। ही वाज ओनर ऑफ बिग बिजनेस, वह बड़े व्यापार का मालिक था। द सिटी इन विच ही लिव्ड वाज सिचुएटेड नियर ए बैंक, शहर जिसमें वह रहता था वह नदी किनारे स्थित था, सिचुएटेड स्थित था। वंस ड्यू टू हैवी रेन, एक बार भारी वर्षा के कारण द रिवर वाज फ्लडेड, नदी में बाढ़ आ गई, फ्लडेड बाढ़ आ गई भाई। द सिटी सैंक इन द नेक डीप वाटर, और सिटी था जो वो गर्दन तक पानी भर गया शहर में। फ्लड डैमेज क्रॉप हाउसेज कैटल एंड फैक्ट्रीज, फ्लड ने भाई फसलों को, घरों को, पशुओं को, फैक्ट्रीज को तबाह कर दिया भाई, डैमेज नुकसान कर दिया भाई। द फैक्ट्रीज ऑफ द बिजनेसमैन सैंक इन फ्लड, फैक्ट्री बिजनेसमैन की डूब गई भाई। ही वाज सैड, उदास था। क्वेश्चन नंबर वन, वेयर डिड द बिजनेसमैन लिव, बिजनेसमैन कहाँ रहता था। सिटी में रहता था, सिटी शहर में, बी ऑप्शन सही है। और बी क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का नाम क्या था, रमन था, डी ऑप्शन सही है, रमन था भाई। और सी है, वेयर वाज द सिटी सिचुएटेड, सिटी कहाँ स्थित था, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ए ऑप्शन सही, नदी किनारे पर था भाई शहर। और डी है, आफ्टर फ्लड द बिजनेसमैन बिकेम, अब बाढ़ के बाद बिजनेसमैन क्या हो गया था, सैड उदास हो गया था भाई, सैड उदास हो गया था भाई। एक्टिविटी थर्ड, प्लांट एंड देयर फूड, भोजन और उन, सॉरी पौधे और उनका भोजन, पौधे और उनका भोजन, पौधे और उनका भोजन। प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू मेक देयर ओन फूड, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश और वाटर की जरूरत होती है, तो सनलाइट की जरूरत होती है और वाटर की भी। यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इफ दिस इज ट्रू, अगर ये बात सत्य है तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। प्लेस ए बकेट ओवर ए पैच ऑफ ग्रीन ग्रास, हरे घास के टुकड़े पर आप एक बाल्टी रख दो, बकेट टोकरी रख दो चाहिए। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, लिफ्ट द बकेट, बाल्टी उठा लो। यू विल सी, आप देखोगे, द ग्रास इज नॉट एज ग्रीन एज बिफोर, घास पहले जैसा हरा भरा नहीं है। इफ़ यू लीव द बकेट इन प्लेस फॉर ए वीक, अगर आप बकेट को एक सप्ताह तक छोड़ दोगे, द ग्रास विल बिकम वेरी डल, ग्रास बड़ा नीरस हो जाएगा। दिस हैपन बिकॉज द ग्रास कैन नॉट मेक फूड इन द डार्क, ये इसलिए होता है क्योंकि घास अंधकार में भोजन नहीं बना सकता, अंधेरे में भोजन नहीं बना सकता। रिमूव द बकेट, बाल्टी हटा दो। इन ए फ्यू डेज, के उस दिनों में, द ग्रास विल स्टार्ट टर्निंग ग्रीन अगेन, घास फिर से हरा भरा होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रयोग था भाई, पौधों के लिए सनलाइट और वाटर बहुत ज़रूरत है। और अब पुट द टिक ऑन द करेक्ट और क्रॉस कर देंगे इनकरेक्ट सेंटेंस पर। ए, प्लांट नीड सनलाइट टू मेक देयर फूड, पौधों को उनका भोजन बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, ठीक, टिक कर दो। सेकंड, विदाउट सनलाइट आफ्टर ए फ्यू डेज, बिना सूर्य के प्रकाश के उस दिनों के बाद ग्रास वेरी डल हो जाता है, नीरस हो जाता है, टिक कर दो भाई। दूसरा भाई, तीसरा है, द अपोजिट ऑफ डल इज नॉट ब्राइट, जो डल है, डल का विलोम शब्द ब्राइट नहीं है, तो भाई तो है, ब्राइट तो है भाई, तो ये गलत हो गया है। फोर है, प्लांट डू नॉट नीड वाटर टू मेक देयर ओन फूड, पौधों को भोजन बनाने के लिए पानी जरूरत नहीं होती, ये भी गलत है, वह रॉन्ग है, क्योंकि जरूरत होती है पानी की। तो और फिफ्थ है, एक्सपेरिमेंट इज डन ऑन डॉग,
एक्सपेरिमेंट था, जो प्रयोग था, ये कुत्तों पर किया जाता है, गलत है भाई, क्यों घास पर किया जाता है। री अरेंज द फ्लोइंग वर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक वर्णमाला के हिसाब से इनको री अरेंज करेंगे, शब्दों को व्यवस्थित करेंगे, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी आप जानते हैं, तो ये क्रम है, तो सही क्रम में लिखेंगे। पहले शब्द है, ए का तो है नहीं, बी वाला, जैसे बकेट, दूसरे में आ जाएगा फूड एफ वाला, तीसरे में आ जाएगा ग्रास घास, चौथे में आ जाएगा ग्रीन हरा, क्योंकि ग्रास में ये पहले आता है और आर के बाद ई बाद में आता है, ग्रीन हरा। प्लांट पौधा पाँच नंबर पर, छः पे सनलाइट और सेवन पे टेस्ट और लास्ट में एट पे वाटर आ जाएगा। ये था भाई अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। अब आगे है भाई फिल इन द मिसिंग लेटर टू मेक वर्ड रिलेटेड टू प्लांट, तो ये पौधे से जुड़े हुए शब्द हैं बनाएंगे भाई, इनको मिसिंग लेटर को लिख देंगे। तो बड, यू गायब था, मैंने बड लिख दिया है, यू डी बड। ग्रीन में आर और ई गायब था, मैं लिख दिया जी आर डबल ई एन, ग्रीन हो गया है। रूट में टी और एस गायब था, ये मैंने लिख दिया, रूट्स जो होते जड़। और सीड एस डबल ई डी डबल ई लिख दिया मैंने, सीड होता बीज। और लीव्स होता पत्ते, ई ए लिख दिया मैंने। वुड होता लकड़ी, डबल ओ लिख दिया मैंने। फ्लावर, फ्लावर्स एफ लिखा, फिर डब्ल्यू लिखा, फिर एस लिखा, फ्लावर फूल होते हैं। पल्प होता है, पार्ट होता है, ये भी पौधे का भाग होता है, जिसे कागज़ बनता है। तो ये जैसे फ्लावर फूल हो गया, लीव्स पत्ते, स्टेम तना रूट जड़ मिट्टी में होती है, बड कली होती है, फ्रूट फल होता है, स्टेम तना रूट जड़ फ्लावर फूल लीव पत्ता। और ये रहा आपका पल्प गुद्दा। सब्सक्राइब कर दी जब भारती।